रही है स्त्रियां, और हमारा बोझ उठाने का एहसान तो करते ही आ रहे हैं आप लोग। बहुत कुछ सोचा है मैंने, अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सोचा है, समझा है, देखा है, इसलिए मैं नौकरी ना छोड़ने पर मजबूर हूं। छुट्टी मिलते ही मैं जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हमारे यहां बरसात की छुट्टियां होती हैं, सावन के आते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद तुम मेरी बात को समझोगी। वैसे भी शादी कर लेने के बाद इस तरह दूर रहने का कोई मतलब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे तुम्हारे रुपयों की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारी चाहत या जरूरत की बहुत अहमियत है, और मेरी चाहत या जरूरत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। खैर छोड़ो, इन सब बातों को दोहराना बेकार है। चलो खा लेते हैं। तुम चलो, मैं अभी आई। There is a great criticism in Bengali literature. Enough has not been written about the partition, the agony of partition, the aftermath of it, and all these things. Well, she wrote a full-length novel, Epar Ganga, Opar Ganga. While she writes of the story of Sutara, she absolutely, you know, hits upon the hypocrisy hidden in all amongst us. Because she was given shelter by a Muslim family, she becomes an untouchable here. Untouchability of maybe of very different kinds. It's not always caste oriented. Sutara belongs to their own caste, but she is not considered for marriage to a boy of the house, or she is not given food with others because once she was given shelter by the Muslims. सुतारा, ये भैया, तू यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? जा, जाकर भाभी के पास बैठ, जी बहल जाएगा तेरा। जा, मैं ससुर जी से बात करके आता हूँ। आपने मुझे याद किया, बैठो। ये सब क्या सुन रहा हो सनत? सुना तुम लोग जाने की सोच रहे हो? जी, कलकत्ते में अब दंगा रुक चुका है, तो मैं सोच रहा था कि अब जाने में कोई खतरा तो नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ये सब? मौका मिलते ही फिर से आग भड़क सकती है, और तुम्हारा मोहल्ला तो इस मामले में और भी दो कदम आगे है। महीना भर गुजरने दो, हालत सुधरते ही तुम लोगों के जाने का इंतजाम मैं कर दूंगा। जी, बात दरअसल यह है कि नोआखाली से तमीजुद्दीन साहब ने अचानक ही सुतारा को यहां भेज दिया, और जिसकी वजह से घर में कुछ समस्याएं हो रही हैं। पर इसलिए तुम लोग आग में कूद पड़ोगे? जाने की बात कुछ दिनों के लिए दिमाग से हटा दो। जी, जैसा आप ठीक समझते हैं, मैं चलता हूं। जीजा जी, वो दीदी आपको बुला रही हैं। क्यों? सुतारा के बारे में कुछ।
क्या बात है? सुतारा को लेकर क्या समस्याएं हैं तुम्हारी? बहुत बड़ी समस्या है। 6 महीने उसने मलेच्छों के घर में रही है, उनका अन्न खाया है। हम हिंदुओं का कोई धर्म है कि नहीं? अपने घर के रीत रिवाज सब छोड़कर कब तक उसका घर में रखेंगे? ऐसे लड़कियों को घर में रखना नामुमकिन है। लेकिन उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? नोआखाली के दंगे में उसने अपने माँ बाप भाई बहन सबको खो दिया, किसी तरह अपनी जान बचा पाई। एक सज्जन मुसलमान परिवार ने उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा की। दंगा फसाद चलने के कारण पिछले 6 महीने में उसे कलकत्ता भेज नहीं पाए। हिंदू धर्म के नियम का पालन उचित है, लेकिन अपना हृदय धर्म क्या कहता है? हृदय धर्म को छोड़िए जीजा जी, देवता ब्राह्मण समाज के नियमों का पालन करना है कि नहीं? 6 महीने उसने उसे मुसलमानों का अन्न खाया है, न जाने कब रसोई घर में घुस पड़े। समझा, दूसरों के घर में पना लेना बहुत बड़ा गुनाह है। जब इस कलंक चलते सीता तक को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो बेचारी लड़की तो बाबू, राखल बाबू आए हैं, मैं उनको बाहर के कमरे में बैठा कर आया हूँ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ दीदी, अभी तो कुछ और सोचना समझना बाकी है। सनत कह रहा था कि वो सुतारा को लेकर अपने घर जाएगा, वहां उस लड़की की शादी हो पाएगी क्या? और वहां रहने पर सनत की बेटी का क्या होगा? कौन थामेगा उसका हाथ? ठीक कर रही है तू, उस लड़की ने तो मेरी बेटी के भाग्य भी फोड़ डाले। छोकरी को यहां लाने के लिए किसने कहा था? वही रुक जाते, वही ठहर जाते। सादे जमाने का पूरा समागर दिया यहां लेकर। जन जन्मांतर से किसी के भाग फूटे हो तो इंसान पर ऐसा ही बुरा वक्त टूट पड़ता है। उस लड़की के तो दोनों ही जहां बेकार गए, कौन रक्षा करेगा उसकी? सुतारा आओ भैया। तुझे बहुत बुरा लग रहा है ना? अब क्या करूं, मुझे यहां और कुछ दिन रुकना ही पड़ेगा। सब कह रहे हैं कि तुझे किसी क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दूं, वहां रहकर तू मैट्रिक की परीक्षा भी दे पाएगी, रहने और पढ़ने दोनों का इंतजाम हो जाएगा। जैसा आप ठीक समझे। तुझे तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक है ना? वहां रहकर तू जितना चाहे पढ़ना, बीए एमए पढ़ती रहना, और पैसों की चिंता बिल्कुल ना करना। ये तो मेरी खुशकिस्मती है भैया, मुझ जैसा जीवन कितनों को नसीब होता है। She can truly be called a feminist. And about position of women, she made us on this theme. No other male writer also wrote. Who knew before she wrote one story against Rajasthan background and Morte Rapshara, that when a prostitute dies, other women prostitutes have to carry their body. No man would touch it. She is the first person to touch upon this terrible aspect of society. These women become prostitutes, society forces them to become prostitutes. They sell their bodies to men. But when she dies, a woman always has to die alone. And then other women take their body out for cremation. In her Harijan Unnayan Katha, she exposes very clearly the, even if you call them Harijans, you create schools for them, do this and that, but casteism from inside,
does not go. हरिजन बस्ती में लिखने के लिए, हरिजन बस्ती में ही रह गई डेढ़ दो महीने। वो 1947-48 में हरिजन बस्ती में जाके रही, उन दिनों जाकर रही, क्योंकि उन्हें वो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती थी। मन से बड़ी प्रतिभाशाली थी और निष्काम कर्म करती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि बेटा बेटी क्या कहेगा, दुनिया कहेगी। वो कहने लगी, दुनिया ने बहुत कुछ कह दिया, मैं तो अकेली उस वक्त भी घूमी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर अमृतसर में चला गया, हम नौकरी लगे। देन आई गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कलकत्ता ऑलटुगेदर फॉर 25 ईयर्स। तो माता जी उन दिनों में अमृतसर गए थे 3-4 दफा। तो जब ही गए थे उन्होंने कीर्तन सभा भी बनाया था। शी वॉज सो मच रिलीजियस माइंडेड, इवन देन सिख गर्ल्स एंड हिंदू गर्ल्स दे जॉइंड हर इन कीर्तन सभा। उनको सब धर्म में जाने का बहुत शौक था। और बाइबल भी अच्छी तरह पढ़ते थे। उनके एक पिताजी का होली बाइबल था एंड शी यूज टू गिव इट विद हर। नवंबर 1972 में साहित्यिका एवं विश्वविद्यालय नारी संस्था द्वारा उन्हें कलकत्ते के रविंद्र सदन में 6 और साहित्यिकों के साथ राजकीय सम्मान से विभूषित किया गया। सन 1965 में ज्योतिर्मयी देवी को उनके असामान्य साहित्य कर्म के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भुवन मोहिनी स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया। शोना रूपा नॉय इस कहानी समग्र के लिए 1972-73 में रविंद्र पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1988 के 17 नवंबर 95 वर्ष की उम्र में ज्योतिर्मयी देवी का देहांत हुआ। इस महान लेखिका की मृत्यु के बाद भारतीय साहित्य जगत में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ज्योतिर्मयी देवी इज मॉडर्न, इज रिलेवेंट टू अस एंड डेफिनेटली शी इज वन राइटर हु शुड बी मेड more well known to the Indian readers through translation, further translation into regional languages. We do not think we have paid enough homage to this remarkable woman. Thank you.